देखिए, अगर तो मेरे पीछे विपक्ष का हाथ होता तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी में ना बैठी होती, अगर ऐसी कोई बात होती तो। और जहां तक वो 1 लाख की बात कर रहे हैं, ये मैं सवाल आपके लिए छोड़ती हूँ, कैसा 1 लाख? वो 1 लाख किस चीज के लिए दे रहे हैं? चुप रहने के लिए, या वो अपने बच्चों का और अपनी बीवी का खर्चा उठा रहे हैं? मेरे ख्याल से सैलरी तो उनकी 1.42 है जो उनको मिलती है, तो 1 लाख मुझे उनसे पूछना है वो मुझे किस चीज का दे रहे हैं। ये जरूर है कि मेंटेनेंस उन्होंने खुद साइन किया था कि वो 1 लाख मुझे और मेरे बच्चों को देंगे, क्योंकि हम सितंबर से अलग हैं, साथ में नहीं रह रहे, और अभी मैं ऐसा कुछ कर भी नहीं रही कि ऐसा कुछ कमाऊं कि मैं अपने बच्चों को पाल सकूं। वो 1 लाख इन्होंने हमारी मेंटेनेंस के लिए दिया है, जो हर पति देता है। आप लोग भी मेरे ख्याल से घर परिवार वाले हैं, अगर आप इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं तो महीने के बाद सैलरी अपनी बीवी के हाथ में रखते तो होंगे, या उसको रखने के बाद बोलते तुझे इतना दे रहा हूँ तो तू आगे से कुछ नहीं बोलेगी। मोनिका जी, आपको कोई धमकियाँ वगैरह मिल रही हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत थ्रेट परसेप्शन मुझे मिली है कि आप ही इसकी टांगे तोड़वा देंगे, या एक्सीडेंट हो सकता है तुम्हारा, कुछ भी हो सकता है। मेरे घर वालों को ये बोल रहे थे, ये सब बातें चल रही है। कल गगन भगत जी ने कहा है कि मैं डेवलपमेंटल काम कर रहा हूँ जो लोगों को पच नहीं रहा। वैसे जो भारतीय जनता पार्टी ने 3 साल में डेवलपमेंट किया, उसका सफाई जो है खुद अमित शाह ने दी कि जम्मू और लद्दाख में डेवलपमेंट होने ही नहीं दी पीडीपी ने। आपको क्या लगता है कि क्या डेवलपमेंट के काम हो रहे थे तो इसीलिए उनको जो है इन सब चीजों में फंसाया जा रहा है? अगर डेवलपमेंट के काम हो रहे थे, डेवलपमेंट कहाँ तक रहती है? रोड्स तक, या किसी के आप पेंशन लगवा रहे हो, या वो ये चीज़ें तो आप, मैं कह रही हूँ आप आरसपुरा जाके भी पता कर सकते हो क्या डेवलपमेंट हुई है क्या नहीं, वो तो आप खुद पता कर सकते हो। मगर ये जो चीज़ है जो इन्होंने ये सब किया, तो इस चीज़ को मतलब अपनी डेवलपमेंट को एक चादर ओढ़ के कि हाँ मैंने डेवलपमेंट बहुत की है, तो इस चीज़ को क्या दरकिनार कर देंगे आप? मैम जो आप फोटोग्राफ दिखा रहे हैं वो कह रहे हैं कि फोटोग्राफ होगा, फोरेंसिक लैब इज देयर, इन चीज़ों की पुष्टि तो होती है ना। मैं आपको खुद कह रही हूँ, अगर ये फोटोशॉप है या कुछ भी है तो इसका पता करें। और ये फोटोज़ मैंने कहीं से ली नहीं, उस लड़की के मोबाइल से हैं ये फोटोज़। और ये फोटोज़ आप देखिएगा, कोई भी किसी ने क्लिक नहीं किए हैं, ये फोटोज़ सेल्फीज़ हैं सर। और ये जो है, ये जो फोटोज़ हैं, ये इस घर की है। मेरा इधर शिफ्ट होना या मेरा यहाँ पे आना इसी चीज़ का था कि मैं यहाँ पे अगर आ जाऊँगी तो शायद गगन घर चले जाएंगे, मगर आज की डेट में भी वो घर नहीं है, उसी के साथ रह रहे हैं। कहाँ पे? उन्हीं के साथ। ये मैं नहीं बता सकती कि कहाँ पे, मैं खुद उनको मतलब बीइंग वाइफ उनको कांटेक्ट नहीं कर पाती हूँ। जब उनका दिल करता है वो फोन कर लेते हैं, अगर मुझे करना हो तो। मतलब आप पता नहीं उस लड़की का दबाव है या क्या है, जब भी वो बात करते हैं वो यही बोलते हैं वो मुझे बात नहीं करने देती। वो एक 19 साल की लड़की अगर उनको चला रही है तो फिर मुझे भी इस चीज़ का दुख है। मैंने 13 साल उनके दिए, उनको अपनी लाइफ के दिए, बच्चे हैं तो उनको क्या हमारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं आता। और मेरे बेटे ने खुद जब ये सब हुआ था नवंबर में, लुधियाना गया था मेरा बेटा उनके साथ ही, तो उसे वहाँ पे चिकन पॉक्स हो गया था। तो मीनवाइल मेरी सासू माँ गए थे वहाँ पे लड़की के घर ये बताने के लिए कि आपकी लड़की ऐसे इन्वॉल्व है। तो वहाँ पे मेरे बेटे ने खुद उस लड़की को देखा डॉक्टर गगन के साथ उसी होटल रूम में, और इसको गगन ने ये बात बोली थी कि अगर आप घर जाके बताओगे तो मैं आपसे, आपकी मम्मा से, आप सबसे बहुत दूर चला जाऊंगा। तो यानी कि शादी की बात जो है वो सच है, उसमें कोई दोराय नहीं है कि उन्होंने उस लड़के से शादी कर ली है? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं मेरे पास जो ये चीज दर्शाती हैं बिल्कुल की शादी हो रखी है। अब ये चीजें आपको पता है कोर्ट ज्यादा ऑथेंटिकेट करेगी ये है कि नहीं, बट हाँ कुछ ऐसे तथ्य हैं जो ये पूरा बताते हैं कि शादी हो चुकी है। और ये कुछ चूड़ा पहन के मुझे नहीं लगता कोई कुंवारी लड़की तो सेल्फी करेगी। ऐसी मैम जो रसाना में हुआ था उसके बाद जिस तरह से एक गलत प्रोपोगेंडा किया गया, जिसके बाद 2 मंत्रियों के पद भी छीन लिए गए कि ये कहा गया कि वो रेपिस्ट को शील्ड कर रहे थे, हालांकि ग्राउंड में कुछ और बात थी। लेकिन यहाँ पर तो इतने सारे सबूत हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर अपने MLA के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? देखिए सारी बातें तथ्य और फैक्ट्स पे ही होती हैं, जहाँ तक मुझे लगता था। मैं भी चुप इसलिए थी क्योंकि मेरे हाथ में ऐसा कुछ नहीं था, सुनने में तो मुझे भी बहुत कुछ आया। और जैसे इल्ज़ाम तो कोई भी लगा सकता है, और मैं उनमें से नहीं कि मैं अब ऐसी अटकलें चल रही थी, मैं भी शुरू हो जाती हाँ आपने ऐसा किया। हाँ दुख था मुझे इस चीज़ को लेकर कि ऐसा हो रहा है, तो इन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं। मगर जब चीज़ें मेरे हाथ में आई, मेरे सामने है, और लड़की से मैं खुद मिल चुकी हूँ, उसने मेरे सामने ये कन्फेस किया हाँ मुझसे गलती हो गई, और मैंने उसे माफ़ कर दिया था एक छोटी बच्ची समझ के। मगर अब जो उसने हरकत की है वो तो माफ़ी के लायक नहीं। अगर उनको रहना है साथ में तो उनकी लाइफ है, बट मैं यही अपील कर रही हूँ कि मेरा और मेरे बच्चों का क्या एक्शन क्या लेना चाहिए? अभी क्या करना चाहते हैं क्या पार्टी को? क्या एक्शन लेना चाहिए मैम? पार्टी को यही एक्शन लेना चाहिए कि ऐसा ही चीज़ें दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर ये लोग चेयर होल्ड करेंगे
तो जनता का क्या होगा? अगर मैं ही उनकी बीवी ही ये चीजें झेल रही हूँ मैं, तो जो आम औरतें हैं जिनके साथ ये हर दूसरे घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, हर दूसरे घर में ये चीज होती है, फिर ये कल को एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगी, एमएलए की बीवी ने नहीं कुछ बिगाड़ा उसका, तू क्या कर लेगी? और मैं खुद भारतीय जनता पार्टी में अगर हूँ तो मैं आप सबसे ये अपील करना चाहूंगी, आप खुद डिसाइड करें, आप मीडिया भाइयों से मैं यही चाहूंगी कि आप इस चीज को खुद ग्राउंड रियलिटी में आप जा सकते हो, जितने सबूत हैं आप खुद देखें कि क्या सच है और क्या गलत है। मैं कल कमेटी के सामने पेश हुए थे, तो कमेटी का कब तक की रिपोर्ट आएगी, वो हाईकमान को देंगे? हाँ, उन्होंने ये बात की है कि ये सारे तथ्य वो देखेंगे और ये हाईकमान को जाएगी रिपोर्ट जो भी है। जो गगन भगत जी ने कल कहा कि डाइवोर्स जो है कोर्ट में चल रहा है, इज इट ट्रू? नहीं नहीं, कोई डाइवोर्स कोई नहीं चल रहा है, मेंटेनेंस उन्होंने साइन किया था, वो भी म्यूचुअल कंसेंट से, उन्होंने कंटेस्ट नहीं किया था। मैंने उनको बोला था कि बच्चों का और मेरा, क्योंकि साथ में तो हम रह नहीं रहे हैं, मुझे नहीं पता है वो कहाँ पे हैं, तो म्यूचुअल कंसेंट के साथ उन्होंने बोला था 1,00,000 मैं आपको दूंगा, जो आज तक डेट में नहीं मिला है। अप्रैल में ये मेंटेनेंस साइन हुआ था, जितने जोर शोर से उन्होंने बोला वो 1,00,000 ले रही है, तो मैं शायद चुप रहती, मगर ऐसा कुछ भी नहीं, कोई 1,00,000 है उसका, तो मैं समन शायद उनको इशू करवा रही थी, एग्जीक्यूशन मैंने फाइल की थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, चाहे उनका सैलरी अकाउंट मेरे अकाउंट के साथ अटैच किया जाए, मेरे बेटे की फीस थी 3 महीने की, मैं वो तक पे नहीं कर पाई अभी तक। ये चीजें मैं